देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। राज्यपाल द्वारा माघ मेले में ब्रह्म कुमारीज के शिविर का उद्घाटन। देश और दुनिया को गंगा जमुना सरस्वती के संगम में आध्यात्म की डुबकी से अपनी ओर आकर्षित करने वाले प्रयागराज के संगम तट पर लगा माघ मेला अपने चरम पर है। कई किलोमीटर की परिधि में पवित्रता और पाप मुक्ति की आस्था का आंचल फैलाए इस मेले में हजारों लाखों लोग मनोकामना की ज्वार लिए गंगा में डुबकी लगाकर अपने मुक्ति और जीवन मुक्ति की कामना करते हैं। ऐसे में इन दिनों भक्ति भाव में डूबे माघ मेले में अध्यात्म और ज्ञान की डुबकी का उपक्रम ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा किया गया, जहां ज्ञान स्नान करने के बाद प्रत्येक मनुष्य आत्माओं के देवत्व की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस विशाल माघ मेले में ब्रह्मकुमारी संस्थान प्रयागराज के कीटगंज सेवा केंद्र द्वारा नर को नारायण बनाने के लिए महाप्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन करने तथा आध्यात्म की डुबकी लगाने राजसत्ता और न्याय सत्ता दोनों ही शरीक हुए। प्रदर्शनी का उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और प्रयागराज उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान के करकमलों से किया गया। दोनों ही सत्ताओं के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने इस बात पर मुहर लगाई, ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा अध्यात्म और ज्ञान की परंपरा स्थापित करने का यह कार्य सराहनीय और वंदनीय है। भारत युवाओं का देश है और युवा हमारी शक्ति है। इन्हीं के कंधों पर विकसित भारत 2047 टिका हुआ है। इतने गंभीर विषय को ब्रह्मकुमारी न केवल आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है, बल्कि मादक द्रव्यों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता भी बढ़ा रही है। यह सक्रिय दृष्टिकोण बहुत ही सराहनीय है। इस प्रयास के लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। संसार में इतनी सुंदर स्वर्ग की रचना अगर हमने देखी तो इस संस्था में देखी। इनके साथ मुझे पहली बार माउंट आबू वहाँ के मेडिटेशन सेंटर्स देखने का मौका मिला। हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ जैसे कहते हैं शांति, तो आपको मन के शांति की बहुत आवश्यकता होती है, तभी आप फैसले अपनी सही मनोदशा से सही फैसले ले सकते हैं। इस अवसर पर प्रदेश विद्या भारती के सहमंत्री चिंतामणि सिंह, भाजपा नेता आशीष केसरवानी, प्रयाग समिति की उपनिदेशिका एवं संगीत प्रभारी उमा दीक्षित, पूरे कार्यक्रम की संयोजिका बीके मनोरमा समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संगोष्ठी और शिविर के अलावा नशा मुक्ति प्रदर्शनी 3D शो का भी आयोजन रहा। राज्यपाल जी ने सभी का अवलोकन कर अपने माउंट आबू प्रवास को भी याद करते भाव विभोर हुए। सूरज कुंड में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राष्ट्रपति जी का स्वागत। फरीदाबाद में देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा राष्ट्रपति जी का स्वागत हुआ। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हरीश एवं बीके उषा ने गुलदस्ता भेंट कर एवं शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। बीके प्रीति ने एवं बीके रंजन ने 13 साल से सूरज कुंड में चल रही सेवाओं से उन्हें अवगत कराया। यह जानकर राष्ट्रपति जी बहुत ही हर्षित हुई। सकारात्मक परिवर्तन से जीवन में उन्नति और विकास होता है, इसलिए परिवर्तन को सकारात्मक सोच से स्वीकार करने से हम सफल होते हैं और आत्मा में शक्ति आती है। यह बात कही संस्था के प्रशासनिक प्रभाग की अध्यक्षा बी के आशा ने, जो हाल ही में कर्नाटक के मैसूर स्थित ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर में आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रही थी। समय की पुकार सकारात्मक परिवर्तन विषय पर प्रशासकों के लिए हुए इस सेमिनार में बीके आशा ने सभी प्रशासकों को नियमित राजयोग करने का आह्वान किया। वहीं आगे प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश ने देश भर में प्रभाग द्वारा हो रही गतिविधियों की जानकारी दी। ट्रस्टी की तरह अपना कर्म करो, अनासक्त वृत्ति से करो, डिटैच होकर के करो, जैसे किसी और के लिए आप कर रहे हैं। ये भावना जो हमारे एटीट्यूड में चाहिए, हमारे दृष्टिकोण में चाहिए, वृत्ति में चाहिए, हमारे कर्मों में दिखनी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज में ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाया जाता है और कई अच्छे टॉपिक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन के
लगते टॉपिक है उन पर ट्रेनिंग के कार्यक्रम किए जाते हैं। इस अवसर पर मैसूर में प्रभाग की कोऑर्डिनेटर बीके शारदा ने सभी का स्वागत सत्कार किया। भोपाल से प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके अवधेश ने सभी को मेडिटेशन का अभ्यास कराया। मैसूर सबजोन प्रभारी बीके लक्ष्मी ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। अवसर पर रेलवे डिविजनल मैनेजर शिल्पी अग्रवाल, मैसूर डिविजन एवं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज श्याम प्रसाद ने अपने अनुभव युक्त विचार रखे। बाबा हम बच्चों को वर्तमान का भी राजा बना रहे हैं और भविष्य की भी राजा बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो निश्चित ही जब हमारे मन के अंदर ये शुभ भावना होती है कि हमें बाबा का नाम रोशन करना है और जो भावनाएं हमारे मन में उठती हैं वही भावनाएं हमारा प्रैक्टिकल रूप कुछ समय के बाद ले लेती हैं। आगे सिरसी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वीणा, जयपुर से बीके पूनम, पूर्व आईएएस बीके सीताराम मीणा, मुंबई से प्रोफेसर ईवी गिरीश, ओआरसी से बीके हुसैन द्वारा पैनल डिस्कशन में विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का करीबन 800 से अधिक भाई बहनों ने लाभ लिया। Beat my office, beat my personal life, beat in the social life, beat anywhere, wherever I go, peace, happiness, these divine virtues and values go along with me. And that's why people realize that this person is a very, very valued individual. Wherever we go, we can see honesty oozing out, we can see peace in his actions. देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश, संस्था के शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका समेत अन्य बीके सदस्यों ने भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, साथ ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव विपिन कुमार से स्नेह भरी मुलाकात कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। देश विदेश में संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की संक्षिप्त में जानकारी देते हुए ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ वेलबींग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस रिट्रीट में सबसे पहले मुख्यालय से संस्था के न्यायविद प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके लता ने सभी को राजयोग द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई, तो वही संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई ने अपने अंदर निहित दिव्य गुणों को पुनः जागृत करने की बात कही। आगे ओआरसी की निदेशिका बीके आशा एवं हैदराबाद से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके राधिका ने विषय के तहत सभी को मार्गदर्शित किया। कल्चर ऑफ वेलबींग की बात करते हैं तो आपको बिल्कुल इसको उल्टा करना पड़ेगा और आपको सचमुच और सब चीज़ें आपके पास हैं, ये वेलबींग वाली चीज़ जो है ना ये कुछ न्यारी है और वो भी हो जाए फिर तो पौबारा। जो देने वाला होता है उसको देवता कहते हैं, ठीक है, नाम ही है देने वाला, और जो लेने वाला होता उसको अंडरस्टूड है। दादी हृदय मोहिनी जी के वर्ड्स हुआ करते थे, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। वो कहा करती थी, बात आएगी और चली जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, इफ आई नीड टू यू नो सेफ गार्ड इट फॉर माई सेल्फ एंड माई फ्यूचर, वॉट इज इट दैट आई नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट इन माई लाइफ सो दैट आई मेक दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल। इस रिट्रीट में अलग अलग गतिविधियां आयोजित हुई जिसमें ग्रुप्स बनाकर विषय के तहत चर्चा हुई एवं अनोखे निष्कर्ष निकाले गए। कार्यक्रम के अंत में 40 विमेन विंग की ब्रांड एम्बेसडर सिद्धि जोहर, गुरुग्राम से एक्सेंचर के मैनेजिंग डायरेक्टर सीए विशाल जैन और गुरुग्राम में ब्लू बेल स्कूल के प्रिंसिपल त्रिलोक बिष्ट ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। दिस इज द टाइम वेयर वी ऑल बिलोंग टू दिस फास्ट एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जेट एज ऑफ हरी एंड स्पीड। If right now we don't adopt spirituality in our daily life, being spiritual helps rather than contradicts. कई बार बोलते हैं कि यार meditation करने के बाद भी और इतने spiritual होने के बाद भी you are successful. मतलब ये बात भी क्या कि because of this I am successful. I need to talk that connection. Early in the morning people come for a walk or something, and in the morning there's a lot of positivity in their mind. So when they come they don't face any negativity, and that club speaks about good things, and you know they learn from each other, and that is how the positivity goes on throughout the life. They wake up early evening morning.
मध्य प्रदेश के मंडला स्थित ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विश्व कैंसर दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके ममता, बीके ओम लता, डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर एवं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश तिलगाम, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्याम रोटेला, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पायल केसवानी, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर संयुक्त पटेल, डॉक्टर अरविंद पटेल ने विषय पर अपने विचार रखे। मेडिटेशन से हमारा मन हमारा तन दोनों स्वस्थ होते हैं। जब हमारे दोनों मन और तन दोनों स्वस्थ होंगे तो बीमारी तो हमारे आसपास आएगी नहीं, और जब हमारा मन स्वस्थ हो जाएगा तो अगर भगवान ना करे हमको कोई बीमारी होती भी है, बट हमारा अगर मन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो हम उस पर पार पा लेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा ये होती है कि मानसिक स्तर से भी वो स्वस्थ हो, बौद्धिक स्तर से भी स्वस्थ हो, पारिवारिक स्तर में भी वो स्वस्थ हो। तो कैंसर से भी कैंसर होने के कारण क्या होते हैं? सबसे पहला कारण होता है कि हमारा जो खान पान है वो ठीक तरह से ना हो पा रहा, हम जो खाना सही खाते वो नहीं खा पा रहे हैं। तीसरा, एक्सरसाइज हम कर नहीं पाते हैं। और कैंसर से बचने का कारण सबसे अच्छा रहता है कि आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, बाहर का खाना खाएं और हमेशा फ्रेश रहें, खुश। संस्था के मेडिकल विंग के द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता प्रदान करने हेतु जानकारी दी गई। स्वस्थ रहने के लिए सात्विक भोजन, नियमित व्यायाम और राजयोग मेडिटेशन करना आवश्यक बताया, क्योंकि राजयोग से जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं तो उनकी शक्तियाँ हमें हमेशा सुरक्षित रखती है। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया, साथ ही अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।